Hello dear students, I am Sharon Lako, lecturer, government degree college Kandyar. I am lecturer in Zoology. Today I have selected topic from class first year, subject Zoology, chapter number 13. In this chapter we will discuss three topics. First of all, I would like to introduce you about the respiration. कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स है. तीसरा जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिश. सो फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. What is respiration? I have written here definition. मैंने यहाँ पर definition लिखी है कि भाई respiration क्या होता है. Respiration एक metabolic reaction है. Respiration is a catabolic reaction. Catabolic reaction metabolic reaction का एक type है. उसमें क्या होता है कि energy release होती है. Now respiration is a catabolic reaction in which glucose breaks down into carbon dioxide and water and energy is released. So respiration जो है वो क्या है. Respiration में जब हम food वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो food जो है वो जो glucose है वो break down हो जाता है. किस में? Carbon dioxide में और वाटर में, और हमें एनर्जी मिलती है. तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. ये केमिकल रिएक्शन है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन इसको भी कहा जाता है. और इसमें एनर्जी रिलीज होती है. और इट्स टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और दूसरा जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तब ये प्रोसेस होगा. अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा. तो ग्लूकोज जो है वो डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6 और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2. ये जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और ATP रिलीज होगी. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद मैं दूसरा जो टाइप है रेस्पिरेशन का उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम मैंने बताया कि फर्मेंटेशन भी इसको कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. इसमें ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली ब्रेकअप हो जाता है. इसमें ग्लूकोज या तो इथाइल अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाएगा या लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा. तो डेफिनेशन क्या है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन और ब्रेक्स इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ, ये थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन बताया रेस्पिरेशन का कि भाई रेस्पिरेशन क्यों हमारे लिए जरूरी है. रेस्पिरेशन हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी के लिए ये जरूरी है. रेस्पिरेशन के अलावा जो है एनर्जी हमें नहीं मिलेगी. तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में के बाद हमारे पास होता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग का दूसरा नाम गैसेस एक्सचेंज है. गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं.
तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन एंड आउट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यहां पर मैंने स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग लिखे हैं, एक इनहेलेशन, उसको इंस्पिरेशन भी कहा जाता है, इसको हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है। और यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सहेलेशन, इसकी इसको जो है एक्सपायरेशन भी कहा जाता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है टेकिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हो गया थोड़ा, ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पायरेशन, फर्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। हमारे पास बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को हम एवियन भी कहते हैं। एवियन इज साइंटिफिक टर्म फॉर बर्ड्स। बर्ड्स इसको इस रेस्पिरेशन का दूसरा नाम या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स है इसको एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि the respiratory system of bird is a unique respiratory system. Birds में efficient, most remarkable respiratory system होता है। Respiratory organs जो respiration में help करते हैं, जो breathing में help करते हैं, वो तीन है। एक तो ये है trachea होता है, दूसरा lungs होते हैं, तीसरा जो है air sacs होते हैं। और लंग्स जो होते हैं, लंग्स के अंदर काफी ट्यूब्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पैराब्रोंकी। पैराब्रोंकी स्पेशल ट्यूब्स होते हैं, ये सिर्फ लंग्स में पाए जाते हैं। ये जो है लंग्स ऑफ बर्ड्स में होते हैं, ये जो है मैंने ये यहाँ पर जो है ये पैराब्रोंकस या पैराब्रोंकी है। पैराब्रोंकी के अंदर मतलब पैराब्रोंकी हैविंग कैपेलरीज, हैविंग ब्लड कैपेलरीज, या पैराब्रोंकी में ब्लड कैपेलरीज होती हैं। और एयर सैक्स जो होते हैं वो नॉन मस्कुलर होते हैं, वो एल्वियोला से डिफरेंट होते हैं। एयर सैक्स जो होते हैं ये जो है बेलोस, तो बेलोस होते हैं, ये स्टोर करते हैं एयर को। और देयर आर 8 to 9 एयर सैक्स इन बर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रेकिया से आएगी। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग जो होती है बर्ड्स में वो यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकिया से आएगी, ट्रेकिया के बाद डायरेक्ट जो है पोस्टीरियर एयर सैक्स में जाएगी। कहाँ जाएगी? पोस्टीरियर एयर सैक्स में जाएगी। उसके बाद जो है वो पैराब्रोंकाई में जाएगी, पैराब्रोंकाई के बाद जो है वो इंटीरियर एयर सैक्स में जाएगी, उसके बाद जो है वो ट्रेकिया से बाहर आएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख रहा हूँ कि भाई रेस्पिरेशन इन पहले जो है स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग इन बर्ड्स में लिखूंगा। व्हाट आर दी ब्रीदिंग आर, ब्रीदिंग का पहला हिस्सा जो है इनहेलेशन इन बर्ड्स, इनहेलेशन इन बर्ड्स। इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यहां से आउटर आउट सराउंडिंग से एनवायरमेंट से इसके ट्रेकिया में जाएगी, डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है यहां पर आएगी। I have drawn a diagram of the respiratory system of birds. You can watch this. Oxygen from the environment, it enters directly, it enters into trachea, then directly goes to posterior air sacs. Then what happens? This is called inhalation. इसमें oxygen जो है intake होती है, इसको हम कहते हैं inhalation. Intake of oxygen. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन डायरेक्टली ये पोस्टीरियर एयर सैक्स में आएगी। पोस्टीरियर एयर सैक्स से ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगी पैराब्रोंकी या लंग्स ऑफ बर्ड्स में जाएगी। यहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा,
पेराब्रोंकस। पेराब्रोंकस क्या होते हैं? पेराब्रोंकस पेराब्रोंकी और ट्यूब्स आर दीज आर द चैनल्स ट्यूब्स विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज। इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो पहले जो हुआ इनहेलेशन हुई ऑक्सीजन अंदर डायरेक्ट ट्रेकिया से, जो है पोस्टीरियर एसिक्स माई पोस्टीरियर एसिक्स के बाद जो है जब ऑक्सीजन यहाँ पेराब्रोंकाई में आएगी तो उसको हम कहेंगे एक्सहेलेशन। मैं ये बताना चाहूँ कि बर्ड्स जो है वो टू ब्रीथ्स इस्तेमाल करते हैं। दे इनहेल टू टाइम्स ऑक्सीजन, दे टेक टू ब्रीथ्स। फर्स्ट ब्रीथ में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन ट्रेकिया से आएगी वो डायरेक्ट पोस्टीरियर एसिक्स में जाएगी, पोस्टीरियर एसिक्स। ये हो गया फर्स्ट इनहेलेशन। फर्स्ट इनहेलेशन के बाद यहाँ पर जो आएगी ऑक्सीजन उसको हम कहेंगे फर्स्ट एक्सहेलेशन। फर्स्ट एक्सहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आर एयर गोस्ट पेराब्रोंकी। तो उसके बाद जो है बर्ड्स क्या करते हैं, सेकंड ब्रीथ इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड ब्रीथ में क्या होगा कि डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है पोस्टीरियर एसिक्स में जाएगी, पोस्टीरियर एसिक्स के बाद जो है वो पेराब्रोंकी में जाएगी, पेराब्रोंकी के बाद जो है वो ऑक्सीजन एंटीरियर एसिक्स में आएगी। मींस ये जो हवा है, ये जो एयर है पेराब्रोंकी वाली, वो एंटीरियर एसिक्स में आएगी। तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट इनहेलेशन। एंटीरियर एसिक्स के बाद ये जो हवा है वो आएगी ट्रेकिया की तरफ, ट्रेकिया के बाद ये हवा बाहर निकल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सेकंड ब्रीथ, और इसको हम कहते हैं सेकंड एक्सहेलेशन। फर्स्ट इनहेलेशन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकिया से डायरेक्ट पोस्टीरियर एसिक्स में आई, ऑक्सीजन और एयर टू पोस्टीरियर एसिक्स। उसके बाद एक्सहेलेशन में क्या हुआ, फर्स्ट एक्सहेलेशन एयर enters into pera bronchi। उसके बाद सेकंड ब्रीथिंग हुई, ये तो हो गया फर्स्ट ब्रीथ, ब्रीथ नंबर वन। सेकंड ब्रीथ में क्या होगा, ब्रीथ नंबर सेकंड। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन पोस्टीरियर एसिक्स में आई तो ये जो ऑक्सीजन है वो फोर्स करेगी पेराब्रोंकी की जो हवा है वो एंटीरियर एसिक्स में आएगी। मींस सेकंड इनहेलेशन में क्या हुआ कि एयर इंटर्स एंटीरियर एयर सेक। उसके बाद यहां पर गैस एक्सचेंज होगा, यहां पर ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से जो है वो यहां पर एंटीरियर एयर सेक में आएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटीरियर एसिक्स माई वो एंटीरियर एसिक के बाद जो है ट्रेकिया की तरफ जाएगी। तो सेकंड एक्सहेलेशन जो होगा
सेकंड एक्सहेलेशन बर्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन दिस, द एयर goes out of body or out of anterior air sac, out of anterior air sac towards trachea, और trachea के बाद it goes out of body. तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस हमारा थर्ड टॉपिक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फिशेस. नाउ फिशेस दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, दे हैव गिल्स, दे आर एक्सक्लूसिवली गिल ब्रीदर्स. They are exclusively, ये जो है gill breathers होते हैं, इनके पास gills होती हैं. Fishes में जो gills होती हैं, gills में क्या होता है, gills कहां से बनती हैं, these are formed gills और outgrowths. क्या होते हैं ये, outgrowths from pharynx. ये pharynx से बनती है, फेरिंग से ये गिल्स बनेगी. ईच गिल कंसिस्ट ऑफ, ईच गिल कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिलामेंट्स. देयर आर मेनी फिलामेंट्स प्रेजेंट इन ईच गिल. हर जो गिल होगा उसमें काफी फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट्स होते हैं. ये जो है एक गिल है, गिल में ये फिलामेंट्स पाए जाते हैं. हर एक को हम फिलामेंट कहेंगे, ये फिलामेंट है. इस फिलामेंट के अंदर जो है वो लेमिला होता है, इसको हम कहते हैं लेमिला, और इसको हम कहते हैं गिल आर्च. गिल बार भी इसको कहा जाता है. तो क्या होगा कि इस फिशेस में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगी वो लेमिला में होगी. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट लेमिला. Why exchange of gases takes place in lamella? क्योंकि लेमिला में ब्लड वेसल्स होते हैं. लेमिला में जो है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहां पर जो है वो गैस एक्सचेंज होगा. क्या होगा कि इस तरह लेमिला जो है, मैं बना रहा हूं थोड़ी, ये सपोज करें लेमिला है. लेमिला में जो है ब्लड होता है, ब्लड जो है वो इस तरफ जाएगा, तो वाटर जो है इसमें, ये क्योंकि फिशेज जो है पानी में पाई जाती हैं, फिशेज जो है पानी में रहती हैं, तो इनमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स होती हैं, और गिल में जो है फिलामेंट्स होते हैं, गिल आर्च होता है, और गिल बार भी होता है, ये गिल बार है. और उसके अलावा जो बोनी फिशेज होती हैं उनको एक गिल कवर होता है, उसको हम कहते हैं गिल, उसको हम कहते हैं ओपरक्यूलम. तो ये लेमिला है, लेमिला में ब्लड जो है इस तरफ जाएगा और पानी जो है इस तरफ जाएगा, मींस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. ये पानी है, इट इज वाटर एंड दिस इज द ब्लड.
तो यहाँ पर एक एक जो है काउंटर करंट एक्सचेंज होगा, काउंटर करंट एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस। काउंटर करंट का मतलब है कि अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर। काउंटर करंट विल टेक प्लेस, यहाँ पर काउंट करंट होगा। और क्या होगा कि पानी में जो ऑक्सीजन है वो लेमिला में जाएगी, और लेमिला में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी की तरफ आएगी। इस तरह फिशेज में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है।